व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन है क्या, सबसे पहले हम इसी को समझें सही से तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें ये भी समझ में आएगा कि मोटिवेशन की हमें सच में रिक्वायरमेंट है या फिर हम ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं या फिर हम ऐसे ही लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें फील भी होना चाहिए हमें सच में रिक्वायरमेंट है या फिर हम कहीं भटक रहे हैं ऐसे ही बस। क्योंकि मोटिवेशन का भी एक मोटो होता है कि आपको मोटिवेशन की नीड है या फिर नीड नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं मोटिवेशन है क्या। तो यदि मैं आपको एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह समझाऊं आपको, हम बचपन में देखते हैं तो बचपन में जब छोटा बच्चा होता है हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं, जब घुटने चलने के बाद वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है तो हम उसके जस्ट पास में खड़े होते हैं, ऐसे फिंगर करते हैं क्योंकि उसको फिंगर को पकड़ने की आदत होती है और वो हमारे फिंगर को पकड़ने के लिए आगे चलने की कोशिश करता है, मीन्स एक स्टेप आगे लेता है, फिर थोड़ा बैठ जाता है, फिर दोबारा उठ के दूसरे हाथ से फिंगर को पकड़ता है। ये आपने देखा होगा हर घर में ऐसा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसको लालच दे रहे हैं, एक तरह से हम उसको मीन्स एक गोल दे रहे हैं कि हम ऐसा यहाँ पे मेरी फिंगर रखी हुई है तो इसको तुम इसको पकड़ोगे आगे चलो एक स्टेप आगे चलो। जैसे एक पैर आगे रखता है फिर हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, फिर आगे रखता है तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो मोटिवेशन तो हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं, जैसे हम जब से हम पैदा होते हैं, बट हमें वो अलग तरह से समझ में आता है और जब हमारी स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो हमें वो अलग वे में समझ में आता है। तो यदि हम फिर दोबारा समझने की कोशिश करें तो यदि वही पेरेंट्स यदि वो बच्चे से 20 कदम दूरी पे खड़ा हो जाए तो बच्चे के अंदर हिम्मत नहीं होगी वो खड़ा होकर चल सके। यदि खड़ा भी होगा और आप एक्सपेरिमेंट कर देखना, ये प्रैक्टिकल ऐप करके देखना, यदि आप 20 कदम दूरी चले जाओ दूर चले जाओगे तो बच्चा तुरंत बैठ जाएगा, उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी वो एक कदम भी रखे। हाँ जब वो 8-10 कदम चल लिया करेगा तो आप मीन्स एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद आप ऐसा कर सकते हो, वो भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत रहेगी, आपके प्रति उसका कितना जोश है, कितना अटैचमेंट है आपके प्रति, वो डिपेंड करता है उस पर कि वो 20 कदम चलेगा या नहीं चलेगा। यदि उसका अटैचमेंट आपके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है बहुत ज़्यादा है, पापा या मम्मी किसी के प्रति बहुत ज़्यादा होता है तो आप खुद देखोगे जब पापा या मम्मी से मैं खड़ा होगा तो शायद हो सकता है बैठ जाए, जब दूसरा खड़ा होगा तो चल के वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये होता है हमारा जोश, ये होता है हमारा जुनून कि हमें किसके प्रति ज़्यादा मीन्स अटैचमेंट बोलो या ज़्यादा हमें उसके बेनिफिट बोलो, क्योंकि हम इन फ्यूचर समझेंगे उसको कि इन फ्यूचर हमारे जो गोल होते हैं जो हमारे सपने होते हैं कि हमें उनके प्रति कितना जोश है, कितनी एनर्जी है, कितने हमारे प्रति एक लगन है उसको पाने की। तो आप छोटे बच्चे समझ सकते हो ये हर घर में होता है, आप वहाँ पे और भी अच्छे से ट्राई कर सकते हो। अब ये बात यदि 9th-10th वाले बच्चे को समझाई जाएगी तो 9th-10th वाला चलना सीख गया, अब हम उसको क्या देते हैं, लालच देते हैं क्योंकि सराउंडिंग देखता है उसके पास अच्छा मोबाइल है, उसके पास अच्छी मतलब साइकिल है या बाइक है, तो हम उसको उसी तरह का लालच देते हैं जिससे वो ज़्यादा अच्छे जोश के साथ पढ़ाई कर पाए। हम ये नहीं बोलते उसको कि हम तू अच्छे से पढ़ाई करेगा तुझे एक घंटा फिर वहाँ पे बैठ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें डिफिकल्ट है। तो हम उसको ऐसा लालच देते हैं जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है। यदि वो आपसे बार बार बोल रहा है साइकिल लेनी है उसको या बार बार आपसे बोल रहा है बाइक लेनी है उसको, तो आप उसको वो गोल आप उसको दे दोगे कि तू 10th में इतने परसेंटेज लिया, 12th में इतने परसेंटेज लिया, हम तुझे ये चीज़ें दिलवा देंगे। तो एक तरह से लालच दिया गया आपको, आपको एक टारगेट दिया गया कि इतने, क्योंकि आपको नहीं समझा रहा ना कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है। जिस बच्चे ने इंपॉर्टेंस समझ ली पढ़ाई की तो उसको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब चीज़ें लालच की रिक्वायरमेंट उसको नहीं होती है। लेकिन 89% केस में क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को कहीं ना कहीं जोश में रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए इस तरह की बोला जाता है कि हम तुझे ट्रिप पर लेके जाएंगे या फिर हम तुझे नानी के यहाँ भेज देंगे, इस तरह के बहुत सारे आपने सुना होगा आसपास, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि कहने के लालच दिया जाता है। मीन्स कहने के स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखने के लिए इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स हमें बचपन से करते हुए आए, लेकिन एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे लिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट खत्म हो जाती है जब हम 12th पास कर लेते हैं, फिर हम BSc या BTech कर लेते हैं, जो भी हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, MSc कर लेते हैं, मैं तो MSc वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जो हम MSc कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती और हमारे पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं हम अपनी लाइफ में खुद से कुछ करेंगे। तो जैसे आप 12th करते हो तो आपका माइंड कहने के सोचने लगता है कि हमें लाइफ में क्या करना है, या फिर हमें पेरेंट्स के जैसे बनना है या फिर हमें किसी और के जैसे बनना है। तो वहाँ पे आपको एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको जो बनना है मीन्स जो आपको करना है वो आपको कैसे हासिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि बचपन में आपको दो फिंगर दी गई, तो वो फिंगर किसकी है ये भी मायने रखता है, क्योंकि यदि मैं खड़ा हो जाऊँगा और उसके पापा खड़े हैं तो हो सकता है मेरे पास वो बच्चा रोने लग जाए, ठीक है। तो ऐसे लाइफ में होता है जो गोल आपने डिसाइड किया है, ठीक है, या जो गोल आपको सबसे बात करके सबसे अच्छे से डिसाइड करके आप
समझोगे कि मुझे ये करना है, तो आप उसके लिए हमेशा मोटिवेट रहोगे। लेकिन आप किसी अड़ोसी पड़ोसी के या फिर कई बार पेरेंट्स के बोलने से भी कई बार हम इतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, मीन्स यदि आप सराउंडिंग लोगों को देख के मीन्स एक भेड़ चाल में चल जाओगे तो शायद आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे और वहाँ पे आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इज द पॉइंट जब आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपने गोल खुद से डिसाइड नहीं किया, तब तो आपको 100% रिक्वायरमेंट पड़ेगी मोटिवेट रहने की। आप खुद से भी डिसाइड करते हो तब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे आपको मोटिवेशन समझ आ गया हो। मोटिवेशन कुछ नहीं है, एक लालच दिया जाता है हमें बचपन से ही, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अच्छे लाइफ स्टाइल दिखा जाता है कि धोनी के पास इतना पैसा है, सचिन के पास इतना पैसा है, या फिर अक्षय कुमार के पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियों का कलेक्शन है। मीन्स कहना कि हमें एक तरह का अट्रैक्शन मीन्स लालच दिया जाता है, एक तरह से अटैचमेंट हमें बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ें आप भी लाइफ में कर सकते हो यदि आप ऐसा करोगे। तो एक तरह से लालच ही है और कुछ नहीं है, बस हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम किस बात को ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। हम पैसे को देख रहे हैं, ऐशो आराम को देख रहे हैं, या फिर अपने फैमिली के साथ रहना मीन्स अपने फैमिली को टाइम देने के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारा अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, वो टॉपिक एकदम सेपरेट है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे मोटिवेशन क्या है, तो आपको समझ आ गया। मोटिवेशन की नीड क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया कि मोटिवेशन की नीड क्या है। क्योंकि आपने यदि दूसरों के बोलने से रास्ता तय किया कि आपको ये बनना है या फिर आपको यहाँ पे जाना है, तो आपको 100% रिक्वायरमेंट पड़ेगी मोटिवेट रहने की। तो जिन लोगों से भी आपने एडवाइस लिया था, जब आपने डिसीजन लिया, तो आपको उनसे रास्ता भी पूछना पड़ेगा कि इस रास्ते पे मैं कैसे चलूं। अर्ध्या उनको रास्ता नहीं पता, तो आई थिंक उससे एडवाइस लेने का कोई मतलब बनता नहीं, सिंपल सी बात है। यदि उनको पता है कि कैसे हैंडल किया जाएगा यदि आपको लाइफ में कोई समस्या होगी, तो आई थिंक बेटर रहेगा कि आप उन लोगों से सलाह लें, उन लोगों से बात करें। लेकिन सिर्फ बोलने मात्र से ही कि तू कर सकता है, तू पढ़ेगा तो IAS बन सकता है, ठीक है, तो आई थिंक वहाँ पे फिर आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि आपको IAS बनना है, PCS बनना है, या फिर आपको नेट गेट कोई भी एग्जाम आपको निकालना है, बस मैंने बोल दिया कि आप निकाल सकते हो, आप 6 घंटे पढ़ोगे, इट इज़ नॉट सफिशेंट कि आप 6 घंटे पढ़ सकते हो। फिर आपको बताया जाएगा कि आप 6 घंटे कैसे पढ़ सकते हो, तो वो होती है आपको रिक्वायरमेंट कि आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट कब पड़ी। क्योंकि आप 2 दिन पढ़ाई कर सकते हो, 4 दिन पढ़ाई कर सकते हो, आपको पता है कि नेट आपको निकालना है, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बोला यदि आपको नेट का खुद का डिसीजन है कि आपको पता है कि नेट के बाद क्या क्या आपको मीन्स प्राप्त होने वाला है, क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो आपको आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने किसी के बोलने से डिसाइड किया तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हर हफ्ते, हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद आपको एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। मीन्स यदि आपकी सीढ़ियाँ, जैसे हम स्टेयर्स से समझें इसको, कि आपके लाइफ में 10 स्टेयर्स हैं और आपका गोल वहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको हर एक स्टेप पे चढ़ने के लिए किसी ना किसी को तो धक्का देना पड़ेगा। ऐसा होता है यदि आपके गोल खुद के नहीं होते हैं, आपके सपने खुद के नहीं होते हैं। आपके सपने खुद के होते हैं तो आपको सपने दिख रहे होते हैं, वो ऊंचाइयाँ नहीं दिख रही होती कि आपको ऊंचाई चल रही है, वो सीढ़ियाँ भी आपको एक तरह स्मूथ दिखती हैं क्योंकि आपका गोल दिख रहा है आपको। बस ये आपको समझने वाली बात यहाँ पे कि आपका गोल, आपका ड्रीम्स आपके खुद के होने चाहिए, तो आई थिंक आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपके खुद के नहीं है तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको कोई कितना ही बोलता रहे कि जिनके अंदर आग होती है वो तो अंगारों पे चल जाते हैं, जिनके अंदर मीन्स जो तेरे की तरह दौड़ सकते हैं वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, भाई सब बैठ जाते हैं शांति से। एक टाइम के बाद सबके अंदर फ्रस्ट्रेशन, सबके अंदर नेगेटिव थॉट आती है। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनको गोल अपना दिखता है, जिन्होंने पूरा अपने बारे में जज करके, अपने बारे को एनालिसिस करके तभी आगे बढ़े। अगर आप किसी के बोलने से भी आगे बढ़ोगे आप, तो एक टाइम पर आप रुक जाओगे, और कहीं ना कहीं गोल अचीव करने के बाद भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि लाइफ आपकी रुक जाएगी, गोल आपने अचीव किया उसके बाद भी आगे लाइफ है ना, तो आप वहीं पे स्टक होकर रह जाओगे। मींस जो आपने गोल रखा था किसी और के बोलने से, आप उसको अचीव करके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बेटर है यहाँ पे आपको मोटिवेट रहने से पहले आपको एक सलाह यहाँ पे एडवांस में दे देता हूँ कि आप अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, आप अपने आप को बेटर समझें, अपने आप को अच्छे समझें, और देन डिसाइड करें। कोई भी लाइफ में डिसीजन थोड़ा डिले आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो लाइफ में हर चीज कर सकते हो, ये ध्यान रखें। और आने वाले टाइम में एक वीडियो आने वाला है, सुनो सबकी करो अपने मन की, आई थिंक वो वीडियो मैं बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। और उस वीडियो को जैसे टाइटल भी आपको लग रहा है, सुनो सबकी करो अपने मन की, आप इस लाइफ को, इसको फॉलो करोगे, इस फंडे को आप फॉलो करोगे, तो आप लाइफ में अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, और आप सपने पूरे करने के साथ साथ आप हैप्पी रह सकते हो। क्योंकि सपना पूरा करने के साथ साथ आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें सपना तो दिखा दिया कि तुझे ताजमहल बनाना है, मीन्स एक बड़ा घर बनाना है, बड़ा घर बना लिया, आप फिर भी आपको खुशी नहीं है, क्योंकि जो काम कर रहे हो ना वो टेम्प्रेरी था, उसमें आपका मन नहीं था, लेकिन आपको बड़ा घर बनाना था, आप काम कर रहे थे, अब बड़ा घर बन गया तो आपका उस काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने उस काम को कभी भी इंटरेस्ट के साथ नहीं किया था, बस आपको एक घर बनाना था इसलिए आप काम कर रहे थे। जैसे घर बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो बेटर है कि आपको यदि लंबे टाइम मीन्स पॉजिटिव रहना है, लंबे टाइम आप मोटिवेट रहना है, तो आप खुद से भी डाइट करें। छोटा सा वीडियो था, मीन्स बड़ा भी हो गया साथ, मुझे ऐसा लग रहा टाइम तो मैंने देखा नहीं है। हाँ 10 मिनट का वीडियो हो गया। आप यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो मैंने आपको बातें समझानी है उसको आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। टेक केयर अभी के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बस वीडियो के बारे में जो भी आप समझोगे उसको आप नोट डाउन कर लेना, और जब भी आपको मीन्स कब समस्या लगे लाइफ में, वीडियो ना देख के ज़्यादा अच्छा है, आपने जो लिखा है आप उसको पढ़ना बेस्ट रहेगा आपके। टेक केयर।